हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास आपकी ईटीडी की सर्विस कनेक्शन चैप्टर्स के एमसीक्यूज पढ़ेंगे आज। पहला क्वेश्चन है आपका, डोमेस्टिक सर्विस कनेक्शन में मोस्टली यूज केबल है। डोमेस्टिक सर्विस कनेक्शन में कौन सा केबल मोस्टली यूज किया जाता है? तो आपको पता है डोमेस्टिक सर्विस कनेक्शन में कौन सा केबल यूज किया जाता है? 2 कोर केबल या 4 कोर केबल, 3 कोर केबल, नन ऑफ दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए इज अ राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, सर्विस कनेक्शन में अर्थिंग वायर यूज होता है। अर्थिंग वायर कौन सा यूज होता है? 8 SWG, 14 SWG या 20 SWG या 4 SWG, कौन सा अर्थिंग वायर यूज होता है ये बताना है हमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 SWG इज द राइट आंसर। 8 यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अर्थिंग वायर के लिए पोल पर लगाया जाता है हाई वोल्ट, रैक बोल्ट, नट बोल्ट, ऑल ऑफ दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी हाई बोल्ट भी लगता है, रैक बोल्ट भी, नट बोल्ट भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीच, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल इंसुलेटर लगाने के लिए क्लैंप यूज होता है, कौन सा क्लैंप यूज करते हैं? डी क्लैंप, एफ क्लैंप, स्टैन क्लैंप, ऑल ऑफ दीच। तो साइकिल इंसुलेटर के लिए हम हमेशा डी क्लैंप यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25, KVA दर्शाता है। KVA किसको दर्शाता है? पावर को, करंट को, एनर्जी को, पोटेंशियल को। KVA किसको दर्शाता है? पावर को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केबल बॉक्स का यूज किया जाता है ओवरहेड केबल सर्विस कनेक्शन में, अंडरग्राउंड केबल सर्विस कनेक्शन में, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीच। तो आपको पता है केबल बॉक्स का यूज हमेशा हम बोथ यानी ओवरहेड और अंडरग्राउंड दोनों केबल सर्विस कनेक्शन में करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 क्वेश्चन, अंडरग्राउंड केबल सर्विस कनेक्शन का पार्ट नहीं है केबल, क्लेम, पाइप, इंसुलेटर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इंसुलेटर, इंसुलेटर सर्विस कनेक्शन का पार्ट नहीं है, अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन का पार्ट इंसुलेटर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद आता है सर्विस कनेक्शन में बिजली विभाग द्वारा सप्लाई दी जाती है, बिजली विभाग द्वारा किसको सप्लाई दी जाती है? एनर्जी मीटर को, मेन स्विच को, पावर सॉकेट को, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को। तो बिजली विभाग द्वारा सर्विस कनेक्शन में सप्लाई दी जाती है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, एनर्जी मीटर को, एनर्जी मीटर को सप्लाई दी जाती है सर्विस। नेक्स्ट है आपका, सर्विस कनेक्शन में यूज होता है क्लैंप यूज होता है, मीटर बोर्ड यूज होता है, इंसुलेटर यूज होता है, ऑल ऑफ दी। तो सर्विस कनेक्शन में कौन सा क्या यूज होता है? आप क्लैंप भी यूज करते हैं, मीटर बोर्ड भी यूज करते हैं, इंसुलेटर भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद आता है सर्विस कनेक्शन में यूज केबल है, सर्विस कनेक्शन में कौन सा केबल यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऑप्शन नंबर ए इज PVC, इंसुलेटेड केबल या पेपर केबल या बहुत ए एंड बी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PVC इंसुलेटेड केबल हम सर्विस कनेक्शन में यूज करते हैं, PVC इंसुलेटेड केबल सर्विस कनेक्शन में यूज करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा यही। कुछ अब सब स्टेशन के भी हम क्वेश्चन MCQ देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी डिवाइस सब स्टेशन में शॉर्ट सर्किट करंट से सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन ए संट कंडेंसर, ऑप्शन बी रिएक्टर, ऑप्शन सी सीरीज कैपेसिटर, ऑप्शन डी संट कैपेसिटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी क्या, रिएक्टर, रिएक्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिएक्टर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी सब स्टेशन में ट्रांसमिशन सिस्टम में आने पर, किसी सब स्टेशन में ट्रांसमिशन सिस्टम से आने पर सबसे पहले आने लगने वाला इंस्ट्रूमेंट है, सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगता है? सर्किट ब्रेकर, लाइटनिंग अरेस्टर, सर्किट ब्रेकर, करंट ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मर। तो सब स्टेशन में ट्रांसमिशन लाइन से आने पर सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट लगता है लाइटनिंग अरेस्टर, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस इंसुलेटर सब स्टेशन लगाए जाते हैं
गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन कहाँ लगाए जाते हैं? कम जगह वाले स्थानों पर, ऊंचे स्थानों पर, रेतीले इलाकों पर, या ऑल ऑफ दीज? गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन जहाँ पर जगह बहुत कम होती है वहाँ पर लगाए जाते हैं, अब आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कम जगह वाले पर। कौन से? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन में यूज गैस है, कौन सी गैस यूज की जाती है गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन में? नाइट्रोजन प्लस SF N2 प्लस SF6 प्लस H2 प्लस SF6 या SF6 या नन ऑफ दीज? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, SF6। SF6 गैस यूज करते हैं गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में ट्रांसमिशन लाइन में मैक्सिमम वोल्टेज क्या होती है? 400 kV, 500 kV, 750 kV, 1000 kV? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 400 kV यूज की जाती है इंडिया में ट्रांसमिशन लाइन में मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज कितनी यूज की जाती है? 400 kV। उसके बाद क्वेश्चन आता है, बस बार की रेटिंग ली जाती है वोल्टेज ओनली, वोल्टेज में केवल करंट ओनली? ऑप्शन सी करंट एंड वोल्टेज एंड करंट वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी तीनों? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, करंट में भी ली जाती है, वोल्टेज में भी ली जाती है, फ्रिक्वेंसी में। तो तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब स्टेशन में सीटी यूज किए जाते हैं, सीटी मेजरिंग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, प्रोटेक्शन पर्पज के लिए, बॉथ ए एंड बी? ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो सब स्टेशन में सीटी यूज किए जाते हैं बॉथ ए एंड बी, मेजरिंग पर्पज के लिए भी और प्रोटेक्शन पर्पज के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बॉथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज कितना होता है? 220 kV या 33 kV, 11 kV या 400 kV? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 kV, 11 kV, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 11 kV जिस प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री फेज न्यूट्रल सिस्टम में सिंगल फेज एंड न्यूट्रल, यानी थ्री फेज न्यूट्रल सिस्टम में एक फेज और न्यूट्रल के बीच कितना वोल्टेज होता है? 230 वोल्ट, 110 वोल्ट, 400 वोल्ट, 300 वोल्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 230 वोल्ट होता है थ्री फेज न्यूट्रल सिस्टम में एक फेज और वोल्टेज के बीच में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन का मुख्यतः होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन मुख्यतः होते हैं अंडरग्राउंड टाइप, इंडोर टाइप, आउटडोर टाइप, ऑल ऑफ द अबव? सभी टाइप के होते हैं, याद रखना, हमेशा इंडोर डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन हमेशा आउटडोर टाइप के मैक्सिमम होते हैं। मैक्सिमम क्या होते हैं, क्या होते हैं मैक्सिमम? आउटडोर टाइप। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, तो ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन आपके सर्विस स्टेशन के और 10 क्वेश्चन आपके सर्विस कनेक्शन के, ठीक है? तो सर्विस कनेक्शन का टोटल 30 क्वेश्चन करा दिए हमने, और 30 क्वेश्चन कराएंगे सर्विस स्टेशन, 20 क्वेश्चन और इसके अलावा कराएंगे, ठीक। थैंक यू क्लास।